सो गाइज वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। सो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले फ्री फायर के एक और प्रॉब्लम के बारे में जो कि बहुत से बंदों को फ्री फायर गेम के अंदर आजकल आ रही है। ठीक है गाइज, तो गाइज वो प्रॉब्लम है योर अकाउंट हैज़ बीन लॉग्ड इन ऑन अनदर अकाउंट। तो आप स्क्रीन पर गाइज देख सकते हैं कुछ इस तरह की प्रॉब्लम जो कि बंदों को आ रही है, जो उनका अकाउंट है वो किसी और बंदे के जो मोबाइल में खुला है, और जब भी वो गेम खेलते हैं तो उनकी जो गेम हो वापस बंद हो जाती है। ठीक है, उनके सामने ये लिखा हुआ आता है उनकी गेम जो है वो बंद हो जाती है और वो गेम नहीं खेल पाते हैं। तो बहुत से बंदों को सामने आ रहा था, आज मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा किस तरह आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा और कैसे आपकी प्रॉब्लम ठीक होगी। तो आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आज की इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे चैनल पर नए तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आगे भी ऐसी वीडियोस लेकर आने वाले हैं जिनमें आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा हेल्प भी मिलने वाली है आपकी फ्री फायर गेम के अंदर। तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसा आप लोग देख सकते हैं सिंपली अभी मैं अपनी गेम में हूं, तो मैं यहां पे गेम में से आपको सब कुछ बता दूंगा आपको करना क्या है। तो आपको जो मैं बोलूंगा सिंपली वो फॉलो करना है, जो आपका अकाउंट है वो आपको वापस आसानी से मिल जाएगा और आप बिना किसी दिक्कत के फिर से अच्छी तरह से गेम खेल पाएंगे। तो गाइस सबसे पहले कैसे होता है मैं आपको बता दूं किस तरह से आपको दिक्कत आती है। तो गाइस कभी ऐसा होता है कि कभी आपने किसी अपने दोस्त को जो अपनी आईडी दी होती है, कभी आपने उसे टॉप अप कराया कुछ कराया, तो जो उसके मोबाइल में आपकी आईडी लॉगिन रह जाती है। जब भी वो बंदा आपकी आईडी लॉगिन करता है तो उस टाइम आप गेम खेल रहे होते हैं तो आपकी जो गेम होती है वो अचानक से बंद हो जाती है। आप लोग सोचते हैं भाई ये कैसे हो रहा है, ठीक है, या किसी गलती कारण आपका अकाउंट हैक हो चुका है, किसी बंदे ने चालाकी से जो आपका अकाउंट ले लिया है और इसको खोल कर गेम खेल रहा है। ठीक है, और जब भी आप गेम खेल रहे हो तो आपकी गेम स्टार्ट हो ही नहीं रही है। तो बहुत से बंदों को यार दिक्कत आ रही थी और खासकर उन बंदों को जिनको कि यार किसी बंदे ने डायमंड का लालच दिया है, उसका अकाउंट ले लिया है और बंदा भाई टेंशन में कि भाई मेरा अकाउंट ले लिया, अपने आईडी भी अब ओपन नहीं कर पा रहे और जो दूसरा बंदा है जो हैकर है वो यार मजे ले रहा है। ठीक है, तो यार ऐसे बहुत से बंदों को दिक्कत आ रही है। तो आप लोग को करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अपना एक ईमेल एड्रेस बना लेना है। ठीक है, आपको गूगल में जाकर अपना एक ईमेल एड्रेस बना लेना है, जिसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपको आगे करना क्या है। तो आपको जल्दी से ईमेल एड्रेस बना लेना है। तो गाइस ईमेल एड्रेस बनाने के बाद आप लोग को करना क्या है, सबसे पहले अपने जो आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन मिल जाएगी आपको जीमेल नाम की, तो आपको वहां पर जल्दी से गाइस चले जाना है। ठीक है, जीमेल में आपको जाने के बाद गाइस यहां पर आपको स्क्रीन पर आप एक ईमेल एड्रेस देख रहे होंगे, freefire@grena.com। ठीक है, स्क्रीन पर आप यहां पर देख रहे होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या याद कर लो। तो आप स्क्रीन पर एक ईमेल एड्रेस देख रहे होंगे, इस ईमेल एड्रेस पे आपको एक मेल करना है। ठीक है, मेल करना भाई सब बंदों को आता होगा, बहुत आसान होता है, नहीं होता है तो नहीं आता है। तो गाइस आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको बताया होगा कि मेल कैसे करते हैं, पर गाइस बहुत आसानी से आप मेल यहां पर कर सकते हैं। तो सिंपली आपको इस ईमेल एड्रेस के ऊपर मेल करना है जो कि freefire@grena.com। इस ईमेल एड्रेस पर आपको मेल क्या करना है, आपको एक प्रोफेशनल सा मेल करना है, क्योंकि ये जो ईमेल है गाइस ये ग्रेना का ऑफिशियल ईमेल है जिसमें कि ग्रेना को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जल्द से जल्द ग्रेना वाले इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपका निकालेंगे अगर आप यहां से ग्रेना को कॉन्टैक्ट करेंगे। ठीक है गाइस, तो तभी आपके लिए यार मैं सोल्यूशन इस लेकर आ चुका हूं। तो गाइस जैसे आप यहां पर मेल करेंगे तो मेल में आपको लिखना क्या है, सबसे पहले आपको लिख देना हाय आई एम अ फ्री फायर प्लेइंग, आई एम प्लेइंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, आई हैव अ लॉट ऑफ कलेक्शन इन माई गेम, आई स्पेंड लॉट ऑफ मनी इन माई अकाउंट। तो गाइस ऐसे आपको लिख देना, बहुत सारी कलेक्शन थी मेरे पास, बहुत दिनों से मैं यहां पर गेम खेल रहा हूं, पर कुछ दिनों से मुझे दिक्कत आ रही कि मेरा जो अकाउंट है वो किसी और बंदे के पास चला गया और मैं गेम नहीं खेल पा रहा हूं। तो गाइस लास्ट में आपको लिख देना लॉग आउट माय आईडी फ्रॉम ऑल डिवाइसेस। ठीक है, लिख देना आपको लॉग आउट माय आईडी फ्रॉम ऑल डिवाइसेस, तो जो आपका अकाउंट है वो सारे डिवाइसेस जो है वो हट जाएगा। ठीक है, जिस भी डिवाइस में आज तक आपका अकाउंट खुला है सब में से उसका डाटा इरेज हो जाएगा, मतलब जो आपका अकाउंट है वो कहीं भी खुलेगा नहीं। उसके बाद वो करना क्या, जो आपका फेसबुक की आईडी है उसका जो पासवर्ड है जल्दी से चेंज करना है आपको। ठीक है, ईमेल करने के बाद जल्दी से चेंज करना है और जो ईमेल के बाद आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा, आपको जल्दी से अपना जो यहाँ पर पासवर्ड चेंज करना है, उसके बाद अपने मोबाइल में फिर से गेम स्टार्ट कर लेनी है और नए सिरे से जो आपका यहाँ पर अकाउंट, जो आपका अच्छा सा अकाउंट है जो भी 60 लेवल का है, 70 लेवल का, जिस जितने भी लेवल का आपका वो अकाउंट था जिसमें आपको ये दिक्कत आ रही थी, वो अकाउंट आपका फिर से स्टार्ट हो जाएगा, आप आसानी से उस अकाउंट में गेम खेल पाएंगे और जिन भी बंदों के पास आपका अकाउंट ओपन है उनके मोबाइल में सबसे आपका जो अकाउंट है वो हट जाएगा बहुत ही आसानी से। तो गाइस यार उम्मीद करूँगा आपको सब कुछ यार अच्छी तरह समझ आ गया होगा किस तरह आपको सब कुछ करना है और कैसे जो आपका अकाउंट है दूसरे बंदों के मोबाइल से हट जाएगा। और साथ में आप लोग को आज की वीडियो भी यार पसंद आई होगी। तो गाइस यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम आगे भी ऐसी वीडियोस लेकर आने वाले हैं जिनमें आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा हेल्प भी मिलने वाली है आपकी फ्री फायर गेम के अंदर। तो जल्दी इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने के लिए, बहुत से बंदे वीडियो देख ले पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से यार वीडियो को अपने दोस्तों साथ भी शेयर कर दो। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना था, मिलते हैं अगली वीडियो में। It's caught in the crossfire.